हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडीज। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग सीसेट पेपर टू के प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं। कल के लिए हम थोड़ा भाई माफ़ी मांगते हैं कि आप लोगों के लिए वीडियो शेयर नहीं कर पाए। थोड़ा सा अर्जेंट कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं लाइफ में, रेगुलरिटी कभी कभी भंग हो जाती है, तो उसके लिए बहुत क्षमा प्रार्थी है। लेकिन आज से हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आज से हम दो वीडियो डालने की कोशिश करेंगे आपके लिए सीसेट पेपर टू के, ठीक है। फिर 30 दिन का टाइम है, एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं। जोर शोर से लग जाइए आप सब लोग, है ना। बस यही मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से। स्टार्ट करते हैं गाइस पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन हमसे? इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज्ड बाई सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन जीरो, रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज। ये कह रहा है कि कोई उचित भिन्न होती है, वो उचित भिन्न जो है वो अंश और हर को उतनी सकारात्मक धनात्मक संख्या जो है उससे बढ़ाना है आपको। देखो तीन तरह की भिन्न होती है। अगर आप थोड़ा सा, मैं आप लोगों को कुछ बताऊं चीजें। यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर फ्रैक्शन बोली है, तो इन सब चीजों का मतलब होता है गाइस। तो ये फ्रैक्शन जो होती है, यानी कि जो भिन्न होती है, ये तीन तरीके की होती है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जिससे कि आपको अगर भविष्य में कभी इसने अनुचित भिन्न के बारे में पूछ लिया तो फिर आप क्या करोगे, है ना। ये तो चलो उचित भिन्न की बात की है। तो फ्रैक्शन तीन तरह की होती है गाइस। एक होती है प्रॉपर, एक होती है इम्प्रॉपर। आप देखो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक होती है मिक्स, एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित, एक होती है मिश्रित। तीन तरह की भिन्न होती है हमारे पास, ठीक है। प्रॉपर भिन्न कौन सी होती है? जैसे मैंने लिखा 2/7, तो ये प्रॉपर है। क्यों? अगर मैं 2/7 को p/q लिखूं, तो हमेशा याद रखना q हमेशा बड़ा होगा p से। इसका मतलब होता है प्रॉपर। और इसी को मैं उल्टा लिख दूं 7/2, तो क्या हो जाएगा ये? अगर 7/2 लिखा है, ये अगर p/q है, तो यहां पर जो है p बड़ा हो जाएगा q से। ये अनुचित भिन्न होती है, मतलब जहां पर अंश बड़ा हो जाए हर छोटा हो जाए अनुचित, जहां अंश छोटा हो हर बड़ा हो जाए वो उचित भिन्न होती है। दूसरी चीज मिक्स्ड क्या होती है? मिक्स्ड लिए चाहिए इम्प्रॉपर, हमें हमेशा अनुचित भिन्न नहीं बनेगी। जैसे 7/2 है ना, तो तुम क्या लिख सकते हो? 2 3 6, 3 सही 1/7। तो सही बट्टे में जो लिखी जाती है 3 होल 1/7, सही बट्टे में जो लिख जाए उनको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन इतना सिंपल था दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू ही चेक करके देख सकते थे। मैंने मान लिया मेरे पास है भाई 1/2 है कोई संख्या, ठीक है, एक भिन्न है, प्रॉपर भिन्न ले ली मैंने। अब जितना ऐड कर, 1/2 का मतलब कितना होता है भाई? 0.5 होता है, ये सबको पता होगा, ठीक है। अगर मैं 1/2 में सपोज करो ऊपर भी 2 जोड़ दूं और नीचे भी 2 जोड़ दूं, मुझे कितना मिलेगा दोस्तों? 3/4, यानी कि कितना मिल जाएगा? 0.75। कितना मिल गया? 0.75। अब मुझे बताओ 0.5 से 0.75 बड़ा है? एक एग्जांपल दिए, एक और देख लो। मान लो 1/2 थी, इसमें 1 ऐड करो, नीचे भी 1 ऐड करो, कितना मिल जाएगा? 2/3। 2/3 कितना होता है? 10^6। यानी कि अगर अंश और हर में, अगर वो उचित भिन्न है, अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो भिन्न हमेशा बढ़ेगी। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा, करेक्ट आएगा, हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा। ऑलवेज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, हमेशा जो मूल भिन्न होगी उससे ये भिन्न हमेशा बढ़ी आएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? आनुवांशिक, ये एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं ध्यान से, है ना। ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीएम टेक, जीएम के बारे में बात कर रहा है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन की, जीआई की बात नहीं कर रहा, जीएम के बारे में बात कर रहा है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन आनुवंशिक रूपांतरण जिसको कहते हैं, ठीक है। आपको पता होगा हाइब्रिड करके भी हो जाता है इस तरीके से। आनुवंशिक रूपांतरण प्रौद्योगिकी को देखो, स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जरूरी नहीं होता कि पैराग्राफ में जो बातें कही गई उनका बहुत एग्जैक्ट मीनिंग बताओ। पैराग्राफ का सेंस समझना बहुत जरूरी होता है। मैंने कहा ना, जो पैराग्राफ बोलता है सिर्फ उतना ही हमको डिस्कस करना है, उतना ही हमको अपने पास रखना होता है। अब पैराग्राफ तो बहुत सारी चीजें बोलेगा, आपको वो समझनी है बस। आनुवंशिक रूपांतरण यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रौद्योगिकी को व्यापक और स्वचारित रूप से अपनाने के मार्ग में जो गतिरोध है, प्रौद्योगिकी सब जानते हो इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, कि जो गतिरोध है वह है बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल बात की, राइट्स की बात कर रहा है। बौद्धिक संपदा आप सब लोग जानते होंगे, ठीक है ना। इनोवेटिव आइडिया जो होते हैं हमारे, की व्यवस्था
यानी कि आनुवंशिक रूपांतरण प्रौद्योगिकी को व्यापक और सुविचारित रूप से अपनाने के मार्ग में जो गतिरोध है वह है बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था, जो ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए गैर सरकारी एकाधिकार सृजित करना चाहती है। यदि जीएम प्रौद्योगिकी अधिकांशतः कंपनी चालित हो, समझ रहे हो, प्राइवेट कंपनियों कंपनी चालित हो, तो वह लाभ को अधिकतम करना चाहती है। बिल्कुल सही बात है, और वह भी थोड़ी ही अवधि में। बिल्कुल कॉरपोरेट की यही कहानी है कि अपने लाभ को उनको बढ़ाना है, चाहे उसके लिए आपको पता है कि हर तरह के काम कर सकते हैं वो लोग ये तो। और यहां पर तो जीएम की बात हो रही है। यही कारण है कि कंपनियां शाकनाशी सहिष्णु, ध्यान से समझते रहना भाई, और नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए बड़े निवेश करती हैं। इन दोनों तरह की फसलों के लिए कैसे करती हैं, बड़े निवेश करती हैं। ऐसे गुणधर्म जो है ना, ध्यान देना इन सब चीजों पे, ये पॉइंट्स टू बी नोटेड है भाई, ये ध्यान देने वाली बातें होती है। एक बार में पैराग्राफ पढ़ना है और एक बार में अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको पैराग्राफ। ऐसे गुणधर्म थोड़े समय के लिए ही बने रह पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जल्द ही नाशक जीव और खरपतवार विकसित होने लगेंगे और ऐसे प्रतिरोध पर काबू पा लेंगे। समझ रहे हो क्या करा इन लोगों ने, यही कारण है कि कंपनियां शाकनाशी सहिष्णु और नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए बड़े निवेश करती हैं। ऐसे गुणधर्म थोड़े समय के लिए बने रह पाते हैं, है ना, उसके बाद क्या होता है, खरपतवार वगैरह विकसित होने लग जाते हैं, और ऐसे प्रतिरोध पर काबू पाने का मतलब क्या, उनको कैप्चर कर लेते हैं। कंपनी को यह अनुकूल रहता है, कंपनी के लिए बढ़िया रहता है, थोड़े टाइम में काम हो गया हमारा, बढ़िया रहा। तो राष्ट्रीय किसान आयोग ने यह बात उठाई थी कि आनुवांशिक रूपांतरण में प्राथमिकता ऐसे जीन के समावेशन को दी जानी चाहिए जो सूखा, लवणता और अन्य कष्टकर प्रभावों के लिए प्रतिरोध प्रदान करने में सहायक हो। यानी कि तुम ये बात समझो कि अगर इस तरह के रूपांतरण किए जाते तो वो इन चीजों में सहायता करनी चाहिए हम लोगों को, ठीक है। देखना जरा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन है हम लोगों का, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपर्युक्त परिच्छेद द्वारा दिया गया सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और निर्णायक संदेश है, ये आप लोगों को इसमें बताना है ना। यानी कि क्या इसकी तरीके से हमसे कह रहा है कि क्या कहना चाह रहा है, समरी टाइप से बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है। पहला बताओ जरा क्या है, लोक अनुसंधान संस्थाओं को जीएम प्रौद्योगिकी में अग्रणी होना चाहिए और इस प्रौद्योगिकी की प्राथमिकताओं को तय करना चाहिए, पहला, और जो कि काफी हद तक सही भी लग रहा है। क्यों लग रहा है उसका रीजन बताऊंगा अभी मैं, है ना, आप भी सोचेंगे। विकासशील देशों को यह मुद्दा WTO में उठाना चाहिए, कहीं इस चीज की बात हुई है, नहीं हुई है। गैर सरकारी कंपनियों को भारत में कृषि व्यवसाय करने, खासकर बीज का व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, कुछ बात हुई है ऐसी, नहीं हुई है। मैंने कहा ना जो पैराग्राफ कह रहा है सिर्फ वही अंडरस्टैंड करना है हम लोगों को। वर्तमान भारतीय परिस्थितियां आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के कृषि के पक्ष में नहीं, कहीं कुछ ऐसी बात की है, नहीं की है। ओनली ऑन ऑप्शन नंबर वन पहली बार में करेक्ट दिख गया था और वही करेक्ट होना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखो इन्होंने गैर सरकारी कंपनियों की बात उठाई थी कि गैर सरकारी कंपनी अपने तरीके से काम करना चाहती हैं, तो यहां पर लोक अनुसंधान संस्थाएं इसमें आगे आनी चाहिए, समझे बात को। साइंस कितना बढ़िया निकल के आया एकदम, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, ये वही पैराग्राफ है गाइस, इसका पढ़ते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, कोई पूर्व धारणा बना ली गई उसके आधार पर फिर यहाँ पे उनको बताना होगा क्या पहली सही है, दूसरी सही है, कौन सी वैध है ना। पहला क्या कह रहा है, कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर, कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जीएम प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा समुचित विचार नहीं किया जा रहा है। दूसरा, अंतोत्तोगत्वा जीएम प्रौद्योगिकी भूमंडलीय तापन के कारण उत्पन्न होने वाली कृषि समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पूरे पैराग्राफ में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है इस तरीके का। अब इस पर विचार करो थोड़ा सा, ये क्या कहना चाह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन, कृषि से संबंधित प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जीएम प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा समुचित विचार नहीं किया गया। देखो यहां से समझना थोड़ा सा, यहां कि ये अपने हिसाब से थोड़े से टाइम के लिए इस तरह की चीजें, यही कारण है कि कंपनी शाकनाशी सहिष्णु और नाशक जीव प्रतिरोधी फसलों के लिए बड़े निवेश करते हैं, थोड़े टाइम के लिए उनका काम चल जाता है, ठीक है।
कंपनियों को लिए बढ़िया रहता है, कंपनियों के लिए। इसीलिए किसानों ने, किसान आयोग ने इसके अगेंस्ट में ये जो आवाज उठाई थी। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भाई इन चीजों पर समुचित विचार नहीं किया जा रहा है, कि प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव के मुद्दे पर जीएम प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा समुचित विचार नहीं किया जा रहा है ना, इन चीजों के ऊपर। समझ में आ रही है बात दोस्तों? तो केवल ए ऑप्शन अपना फॉलो करेगा, दूसरा तो फॉलो करेगा ही नहीं, है ना। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? इन ए ग्रुप ऑफ 15 पीपल, एक 15 लोगों का समूह है। 8 कैन रीड इंग्लिश, 8 लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, सॉरी 7 कैन रीड फ्रेंच, 7 लोग फ्रेंच पढ़ सकते हैं। 8 कैन रीड इंग्लिश, 8 लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं। व्हाइल 3 ऑफ देम कैन रीड नाइदर ऑफ दीज टू लैंग्वेज, जबकि 3 लोग जो हैं ऐसे हैं जो कि इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली वन लैंग्वेजेस, ऐसे लोगों की संख्या बतानी जो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, या तो वो फ्रेंच ही पढ़ेंगे या तो वो इंग्लिश ही पढ़ेंगे, दोनों ना पढ़े, है ना। करने का क्या तरीका होता है दोस्तों, समझना ध्यान से, गाइस क्या कर किस तरीके से इसको किया जाता है। टोटल ग्रुप में कितने बंदे हैं? 15। कुल कुल लोग कितने हैं हमारे पास समूह में? 15 लोग हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझो क्या, तीन तीन ऐसे हैं जो कोई भाषा नहीं पढ़ सकते, तो 3 निकाल दो इसमें से, 15 में से 3 निकाल दो, यानी कि 12 ऐसे लोग हैं जो कोई भाषा पढ़ सकते हैं, जो कोई भाषा पढ़ सकते हैं। पहला इन्वर्जन यही निकालना है हम लोगों को, मतलब कि 15 लोग थे, उनमें से 3 लोग तो ऐसे हैं जो कोई लैंग्वेज पढ़ ही नहीं सकते, तो 3 तो बाहर करो। हमारे पास कितने रह गए? 12। 12 ऐसे हैं जो कोई भाषा पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हैं? फ्रेंच पढ़ने वाले लोग हैं 7। अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 8। अंग्रेजी वाले हैं 8 और टोटल है 12। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इनका, इस बात को नोट करना जो मैं बताने जा रहा हूं गाइस, कि इन दोनों को ऐड करो, कितना जा रहा है? 7 और 8 15। ठीक है, टोटल बैठे 15, इनमें से कितने निकाल दोगे? 12 को निकालना है इनमें से, कितना बचेगा शेषफल? 3। तो 3 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीज पढ़ेंगे कॉमन, इस चीज को नोट करना जो बता रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि ये भविष्य में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने इस तरीके से इसको बना लिया, एक तरफ मैंने लिखा कि भाई ये लोग इंग्लिश पढ़ते हैं और ये लोग फ्रेंच पढ़ते हैं। ठीक है, कॉमन कितने दोनों में? 3, कॉमन 3 है। अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग टोटल कितने भाई? 8। तो 3 तो यहाँ पे आ जाएंगे और 5 यहाँ आ जाएंगे, टोटल कितने हो गए अंग्रेजी पढ़ने वाले? 8। फ्रेंच पढ़ने वाले 3 है यहाँ पर और टोटल कितने? 7। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 4। अब उत्तर की बात आएगी, उत्तर क्या आना चाहिए इस क्वेश्चन का? देखो उत्तर क्या आएगा, ध्यान से समझना, सिर्फ और सिर्फ हमसे क्या पूछा, वास्तव में एक भाषा पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है? ऐसे लोगों की संख्या हमको बतानी जो सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़ सके। देखो 3 लोग तो ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे, समझ गए बात को? तो 3 लोग तो ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज पढ़ेंगे, तो 3 को तो हमको लेना ही नहीं है, यानी मेरा कहने का मतलब समझो, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो ऐसे लोग हैं जो दोनों भाषाएं पढ़ सकते हैं, तो इसको हमें लेना नहीं है। तो हमारे पास कौन से बचेंगे? 5 और 4, दोनों को ऐड करो। 9 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई भाषा पढ़ सकते हैं, 9 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ एक भाषा पढ़ते हैं, या तो अंग्रेजी पढ़ते हैं या फ्रेंच पढ़ते हैं, दोनों नहीं पढ़ते, वो उनकी जो स्पेशलिटी है वो एक लैंग्वेज है ओनली, या तो वो इंग्लिश पढ़ सकते हैं या वो फ्रेंच पढ़ सकते हैं, दोनों नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल था, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? फिर से वही पैराग्राफ है, पढ़ते हैं ध्यान से, और पैराग्राफ का इन्वर्जन अपने आप निकलेगा, देखना ध्यान से। अधिकांश आक्रामक जातियां, कलर थोड़ा चेंज करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आए, अधिकांश आक्रामक जातियां, इन्वेजिव स्पीसीज जो होती है भाई, है ना, इन्वेजिव स्पीसीज। अब देखो ये सारी चीजें जो है ना, आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए इन चीजों का, यार आप लोग यूपीएससी वाले बंदे हो, आप लोग प्रीलिम्स में बैठने वाले हो, इन्वेजिव स्पीसीज वगैरह इन सब चीजों का आइडिया होना चाहिए आप लोगों को, है ना। ना तो घोर रूप से सफल है और ना ही अत्यंत नुकसानदेह होती है। ठीक है, ये बात इन्होंने पहली बार में कह दी, ना तो सफल ही है ना नुकसानदेह है। ब्रिटेन के आक्रामक पादप ना तो व्यापक रूप से फैले हैं, ग्लोबली नहीं फैले, और ना ही खास तेजी से फैलते हैं। ठीक है, और अक्सर ब्रैकन की तरह के प्रबल प्राकृतिक पादपों की अपेक्षा कम
कम परेशान करने वाले हैं, ब्रेकन की तरह परेशान भी नहीं करते हैं। नई जातियों का आगमन लगभग हमेशा ही किसी क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ा देता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये समझना होता है पढ़ते पढ़ते हमको। नई जातियों का आगमन लगभग हमेशा ही किसी क्षेत्र में जैव विविधता को बढ़ा देता है ना, इंपॉर्टेंट बात। फिर क्या कह रहा है, बहुत से मामलों में नवागंतुकों की बाढ़ किसी भी प्राकृत जाति को विलोपन की तरफ नहीं ले जाती है, ठीक है ना, नहीं लेके जाती विलोपन की तरफ, बहुत से मामलों में, कम मामलों में लेके जाती है। मतलब इसका एक कारण यह है कि आक्रामक पादप प्रदूषित झीलों और उद्योगोत्तर व्यर्थ भूमि की तरह के क्षुब्ध पर्यावासों को, जहां और कुछ भी जीवित ही नहीं रह सकता, यानी कि और किसी के लिए वहां पर जीवन के साइन ना हो, ठीक है, निवेशित करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। ये प्रकृति के अवसरवादी हैं, अपॉर्चुनिस्ट हैं प्रकृति के, नेचर के, ठीक है ना। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने जो हेडलाइन वो जो मैंने की जो हाईलाइट किया है उसको समझना और उसी के आधार पे कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया यही तर्कसंगत इसमें निष्कर्ष निकलेगा कि ये इन्वेजिव स्पीसीज बेशक हैं लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने का काम करेंगी, जैव विविधता को बढ़ाने का काम करेंगी, है ना, इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखो ध्यान से क्या कहता है, अब इसके आधार पर देख लेंगे हम। आक्रामक जातियों का उपयोग किसी देश के मरुक्षेत्रों और व्यर्थ भूमियों के पुनर्वासन के लिए किया जाना चाहिए। देखो यहाँ पे तुम कन्फ्यूज हो जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है हर कोई हो जाता है, लेकिन इससे कन्फ्यूज नहीं होना। ये इसका एक कारण यह है कि आक्रामक पादप प्रदूषित झीलों और उद्योगोत्तर व्यर्थ भूमि की तरह के विक्षुब्ध प्रयासों को, पर्यावासों को, जहां और कुछ भी जीवित नहीं रहता, उपनिवेशित करने के प्रवृत्त होते हैं, वे प्रकृति के अवसरवादी हैं। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये सही बात है, ठीक है, ये इन्वर्जन सही नहीं है दोस्तों, ठीक है। विदेशी पादपों के सन्निवेशन के विरुद्ध कानून आवश्यक है, कुछ बात नहीं हुई ऐसी। कभी कभी विदेशी पादपों के विरुद्ध मुहिम चलाना निरर्थक होता है, खत्म। विदेशी पादपों का उपयोग किसी देश की जैव विविधता बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए, ये आई ना बात निकल के भाई, डिस्कस किया था मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन नंबर करेक्ट है 4, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए दोस्तों, तभी आगे आगे बढ़ने में मजा आएगा, है ना। क्या कह रहा है, हमारे नगरों की आयोजना में, हमारे नगरों की, एक पैराग्राफ और करते हैं ना, पैराग्राफ जरूरी है, पैराग्राफ करते हैं पहले। हमारे नगरों की आयोजना में ऐतिहासिक रूप से कामगार और निर्धन लोगों के हितों की उपेक्षा की जाती रही है, बिल्कुल सही बात है। ये पैराग्राफ ने हमें बात समझाई है कि हमारे नगरों के आयोजना की में ऐतिहासिक रूप से कामगार और निर्धन लोगों के हितों की उपेक्षा की जाती रही है। हमारे नगर वर्धमान रूप से, वर्धमान का मतलब यहाँ पे वर्तमान मानना है ना, असहिष्णु, असुरक्षित और अधिशंक नागरिकों के लिए न रहने योग्य स्थान बनते जा रहे हैं, तथापि हमने पुराने तरीकों, स्थिर विकास योजना से ही योजना बनाना जारी रखा हुआ है, ठीक है, जो लोगों के जीवन अनुभवों और आवश्यकताओं से दूरी बनाए रखते हुए और बहुत सारे लोगों, स्थानों, कार्यकलाप और प्रथाओं को, जो किसी नगर का अविच्छिन्न भाग होते हैं, सक्रिय रूप से शामिल न रखते हुए अन्यतः तकनीकी विशेषता के लिए जाते हैं। अब एक बार में अगर पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अपनी पढ़ने की क्षमता पर थोड़ा सा कार्य करने की विशेष जरूरत है। बाकी हम अगर पैराग्राफ पढ़ते हैं तो माइंड में एक इमेज बनना स्टार्ट हो जाती है ना। मैं जब पैराग्राफ डिस्कस करूं तो पैराग्राफ डिस्कस करने का तुम तरीका नोटिस करना कि हम लोग ना पैराग्राफ में बहुत ज्यादा ऐसे डीपली घुसने का मतलब नहीं होता, हमें कुछ चीजें पकड़नी होती है पैराग्राफ में से कि ये एक्चुअल में इसका इन्फ्लुएंस क्या है, कि ये एक्चुअल में हमसे कहना क्या चाह रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है मामला या नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, या कुछ कंक्लूजन निकल के आ रहा है हमारा, है ना। ये ऐसी चीजें होती है और इसमें बड़े ऑप्शंस आते हैं ना, बड़े माइन्यूट से उसमें डिफरेंस होते हैं, छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं जिसको पकड़ना बड़ा जरूरी होता है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन झटके में गलत हो जाता है ना। इसलिए
बहुत ध्यान रखना है। देखो ऑप्शंस पढ़ेंगे, यह प्रतीत होता है कि इस परिच्छेद में पहला ऑप्शन भवन निर्माताओं के एकाधिकार तथा सम्राट समूहों के हितों के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया है। क्या ऐसा किया गया है ना? देखो मैंने क्या कहा तुम लोगों से, बहुत ही सोचने वाला क्वेश्चन है, इतना इजी नहीं है ये पैराग्राफ, बहुत अच्छा पैराग्राफ है ना, समझना ध्यान से। दोबारा क्या कहता है, विश्व दूसरा ऑप्शन, विश्व स्तरीय और सुव्यवस्थित स्मार्ट नगरों की आवश्यकता के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किया गया। तो देखो ये तो कहीं कुछ नहीं है, तब तो बात हुई नहीं, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो देखते ही, ठीक है ना। आ जाओ अगले पे, मुख्यतः अब कामगार आएगा तो तुम कहोगे अरे कामगार तो मुझे दिखाई दिया था यार ऑप्शन में, नहीं पढ़ो पहले क्या कह रहा है। मुख्यतः कामगार वर्ग और निर्धन लोगों के लिए नगरों की योजना बनाने के पक्ष में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लो, नगर आयोजना में जनता के समूहों की भागीदारी के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया गया है। और मैं कहता हूं कि ये ऑप्शन ही करेक्ट है, यही पढ़ने के साथ तुम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगाना है, फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। देखो पढ़ो स्टार्टिंग क्या है, हमारे नगरों की आयोजना में ऐतिहासिक रूप से, मैं थोड़ा जल्दी पढ़ूंगा इसको, आयोजना में ऐतिहासिक रूप से कामगार और निर्धन लोगों के हितों की उपेक्षा की जाती रही है। हमारे नगर वर्तमान रूप से असहिष्णु असुरक्षित और अधिसंघ नागरिकों के लिए न रहने योग्य स्थान बनते जा रहे हैं, तथापि हमने पुराने तरीकों स्थिर विकास योजना से ही योजना बनाना जारी रखा हुआ है, जो लोगों के जीवन अनुभवों और आवश्यकताओं से दूरी बनाए हुए और बहुत सारे लोगों स्थानों कार्यकलाप और प्रथाओं को जो किसी नगर का अविच्छिन्न पात्र होते हैं सक्रिय रूप से शामिल ना रखते हुए अनंत तकनीकी विशेषता के लिए जाते हैं। यानी कि उनको भैया ऐड करो उसमें, उनकी साझेदारी बढ़ाओ, यानी कि उनकी साझेदारी पे बात हुई है, ठीक है। तुम इतना भी पकड़ लोगे ना और तुम्हें पूरे का मतलब समझ में नहीं आएगा, तभी तुम आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाना, अपना आंसर यही आएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे, ये क्या कह रहा है भाई, मिटा देते हैं। एक वॉल क्लॉक मूव्स 10 मिनट्स फास्ट इन एवरी 24 आवर्स, ओके 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, ठीक है। और द क्लॉक वॉज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट 8 AM, 8 बजे इसने करेक्ट टाइम बताया मंडे को। व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 6 PM, शोज द टाइम 6 PM ऑन वेडनेसडे, व्हाट इज द करेक्ट टाइम। अप्रोक्स करके भी हम इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं, बाकी चेक करके देखते हैं क्या हो सकता है ना। क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है वो भी समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। कोई दीवार घड़ी है, प्रत्येक 24 घंटे में 10 मिनट तेज चलती है, ठीक है। तो इस घड़ी को सोमवार को पूर्वाहन 8 बजे सही किया गया था, जब यह घड़ी बुधवार को 6 बजे समय दिखाती है तो सही समय क्या है। तो क्या सोचना है आप लोगों को कि अगर वास्तव में 24 घंटे होते हैं, वास्तव में अगर 24 घंटे होते हैं तो ये घड़ी कितना टाइम दिखाती है, 24 घंटे 10 मिनट, हाँ के ना, ये बात आप बताओ मेरे को। वास्तव में अगर 24 घंटे होते हैं तो ये घड़ी हमें कितना टाइम बताती है, 24 घंटे 10 मिनट। तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्तों, समझना ध्यान से भाई, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन तुम्हारा। 24 प्लस 10 मिनट को 60 से डिवाइड करोगे, घंटे में चेंज करना है ना, यहाँ से हमें मिलेगा 1/6। तो 24 सही 1/6 हमें कितना दे देगा भाई, 6 × 24 और 6 × 12 145/6 दे देगा, 145/6 घंटे। चाहो तो तीन से कटेगा, नहीं रहने दो, नहीं कट रहा तीन से, ठीक है 145/6 घंटे। तो अब क्या लिखना है देखो ध्यान से, अगर 145/6 घंटे दिखाती है, वास्तव में जो समय होता है वो होता है 24 घंटे। कितना समय होता है, 24 घंटे का समय होता है। वास्तव में अगर वो 145/6 घंटे दिखाती है तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन वो घंटे कितने दिखा रही है ध्यान से देखना। आज 8 AM है आज, और कब के, मंडे के। मैं एक एक चीज खोल के बता रहा हूं आप लोगों को, ट्यूसडे को 8 बजे 8 AM, वेडनेसडे को 8 AM, वेडनेसडे की शाम को 6 PM, यहां तक हमको जाना है, समझे बात को। मंडे 8 बजे हुए,
ट्यूसडे 8 बजेंगे, वेडनेसडे 8 बजेंगे, यानी कि देखो 24 घंटे का टाइम स्पेंड तो ये होगा, 24 घंटे तो मुझे यहाँ लगे, 24 घंटे मुझे यहाँ लगे। अच्छा यहाँ बताना कितने घंटे लगेंगे, 8 बज रहे हैं और शाम के 6 बजे तक, देखो 8 से 8 12 घंटे होंगे शाम के, लेकिन 6 बज रहा है तो इसलिए कितने 10 घंटे लगेंगे। अब जरा नोटिस करना, 24 दूनी 48 और 10 58 घंटे, टोटल कितने घंटे लग गए, 58 आवर्स। अब 58 आवर्स में वो तेज हो गई ना घड़ी, तो ये एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रही हमको, ये एग्जैक्ट टाइम हमको नहीं बता रही, एग्जैक्ट टाइम हमको निकालना पड़ेगा। तो देखते देखो, जब 145/6 घंटे दिखाती है तो होते हैं 24 घंटे, तो अगर वो 58 घंटे दिखा रही है, 58 घंटे दिखा रही है, तो कितना होगा, 24 / 145 × 6 × 58, कितने घंटे हो जाएंगे, ठीक है, कितने आवर्स, ये एक्चुअल में ये आएगा, ठीक है, 29 से काटो, 29 दूनी 58 और 29 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है भाई, क्या मिलेगा देखो जरा, 6 दूनी 12, 12 × 24 होते हैं 288, 12 × 12 = 144 बट्टे 5, कितने आ जाएंगे चेक करो, 5 × 25 = 25, 5 × 25 = 25, 5 × 7 = 35, 5 × 25 = 25 और 3 × 28 = 38, 5 × 7 = 35, 3/5 घंटे, 57 सही, 3/5 घंटे एक्चुअली टाइम हुआ है, 57 सही, 3/5 कितना होगा, 3/5 घंटे का मतलब क्या है भाई, 3/5 का मतलब होता है गुणा 60, 5 × 12 = 36 मिनट, यानी कि 57 घंटे और 36 मिनट एग्जैक्ट टाइम हुआ है, 57 घंटे और 36 मिनट एग्जैक्ट टाइम हुआ है, जो कि 536 ही आ सकता है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें 36 तो मुझे दिखाई दे रहा है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये समझना कि 58 घंटे थे टोटल, लेकिन एक्चुअली कितना टाइम हुआ है, 57 घंटे 36 मिनट, एक्चुअली कितना टाइम हुआ है, 57 घंटे 36 मिनट, यानी कि 24 मिनट का फर्क पड़ गया, 24 मिनट का फर्क पड़ गया, ठीक है, क्लियर बात है भाई, ओके चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको रिपीट करके भी देख लेना एक दोबारा, अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा एक दो बार रिपीट करके भी चेक करना, समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीरीज दे रखी है, एक्स की वैल्यू हमसे पूछी है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 196 16, देखते समझ रहे होगे आप लोग क्या है ये, तो बहुत इजी है, 36 100 64 और एक्स, मुझे एक्स की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी यहाँ पे भाई, बताओ जरा सभी लोग सॉल्व कर देना इसको, वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको बिल्कुल सॉल्व कर दोगे, इसमें कुछ है नहीं, है ना, देखो 2 का स्क्वायर है 14 का स्क्वायर है, ठीक है, 4 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, वर्ग चल रहे हैं सबके, क्या क्या मैंने बता दिया, 2 का स्क्वायर है, देखो एक ग्रुप कौन सा बनेगा, एक ग्रुप बनेगा तुम्हारे पास ये 2 4 6 8, तो इनका नंबर तो है नहीं अगला, तो अगला ग्रुप कौन सा है हमारे पास, तो अगला ग्रुप है हमारे पास ये वाला 14 12 10 और इसके बाद 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, आ गया आंसर, समझाने के पर्पज से इतना लिखा है, नहीं तो दिखाई दे रहा था, थोड़ा इधर लिख देता हूं मैं इसको, यहाँ 8 का स्क्वायर आएगा 64 आ जाएगा आंसर अपना, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होंगी सारी बातें जो भी बताया है अभी तक, क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं अलोंग विद देयर पेरेंट्स, उनके माँ बाप के साथ 2 बच्चे रहते हैं, द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर मदर इज 50 किलोग्राम्स एंड द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ चिल्ड्रन एंड देयर फादर इज 52 किलोग्राम, इफ द वेट ऑफ फादर इज 60 kg देन व्हाट इज द वेट ऑफ मदर। देखो भाई पहले एक बात समझना, एक फैमिली है जिसमें 2 बच्चे और उनके माता पिता हैं, जब 2 बच्चे और माता का औसत वजन निकालते हैं तो 50 किलोग्राम आता है, और दोनों बच्चे और पिता का औसत वजन निकालते हैं तो आता है 52। अब टोटल वजन की अगर मैं बात करूँ, चिल्ड्रन बच्चा चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 और मदर, जब इन तीनों के वजन की बात मैं करूंगा तो तीनों का औसत है 50
घुटा में तीन करना, यानी कि तीनों का वजन कितना आ जाएगा भाई, 150। क्लियर है? और पिता के साथ अगर मैं इनका कंपैरिजन करूं तो चिल्ड्रन वन प्लस चिल्ड्रन टू प्लस फादर का वेट ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो जरा, एवरेज है 52, 52 × 3 कितना हो जाएगा, 156 किलोग्राम। यानी कि माँ का और दोनों बच्चों का वेट तो आ जाएगा 150 किलोग्राम टोटल, और पिता का और दोनों बच्चों का वेट कितना आ जाएगा, 156 किलोग्राम। तो इक्वेशन की तरह इनको मान लो, एक इक्वेशन ये, इक्वेशन दो है, तो दो में से एक को माइनस कर देना, दो में से एक को माइनस कर दो तुम्हें क्या मिलेगा, देखो ध्यान से क्या मिलेगा हमको, चिल्ड्रन वन, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू प्लस फादर, कितना था भाई वजन, 156, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू और मदर, कितना था भाई वजन, 150। अगर इनको माइनस किया जाए तो ये खत्म हो जाएंगे दोनों, तो फादर माइनस मदर कितना आ जाएगा भाई, फादर का और मदर का जो वेट होगा वो कितना आ जाएगा माइनस करने के बाद, 6 किलोग्राम। पूछा क्या है हमसे, वेट ऑफ मदर पूछा है, अगर फादर का 60 kg वेट है तो यानी फादर का वेट लगाओ 60 माइनस मदर का वेट जो होगा वो कितने के बराबर आएगा, 6 के बराबर, तो मदर का वेट यहां से कितना आ जाएगा भाई, 60 - 6 यानी कि 54 किलोग्राम। बात क्लियर है, 54 किलोग्राम। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आज से हमें दो क्लास लाने की कोशिश करेंगे, पूरी पूरी उम्मीद है कि दो क्लास आएंगी आज से रेगुलर आपके लिए, सी सेट पेपर 2 के लिए। ठीक है, धन्यवाद।